तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं VVMI को प्रोग्रामिंग के बारे में। और जैसे कि हमने पहली क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया था कि VVMI को प्रोग्रामिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे, कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, कैसे माइक्रो को डिफाइन करेंगे, कहाँ पे डिफाइन करेंगे, माइक्रो कितने तरह के होते हैं, इन सारी चीजों से हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कोड कंसेप्ट, मतलब कि हम बताएंगे कि कोड कैसे लिखा जाएगा, कौन सा कोड किसके लिए कैसा यूज होता है, ये आज की सेशन में हम आपको बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको देता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने आया हुआ है, और कल मैंने बताया था आपको दो चीज बताई थी। पहले बताई थी कि हमारे पास चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब कोई भी मैक्रो का पहला लाइन का पहला वर्ड हम इन चारों में से किसी एक से स्टार्ट करते हैं। सारे नहीं बस मोस्टली वर्क बुक बुक सीट एंड रेड। और हमने बताया था कि कोड लिखने का तरीका क्या होता है, ऑब्जेक्ट मेंबर ऑब्जेक्ट डिटेल एंड मेंबर। तो एप्लीकेशन मतलब कि आप अगर आपका एल्गोरिथम मतलब कि आप जो जिसके लिए कोड लिखना चाहते हैं अगर वो इफेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन को तो हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। अगर वर्कबुक को इफेक्ट कर रहा है तो हम वर्कबुक को करेंगे, और सीट को इफेक्ट कर रहा है तो सीट को, और रेंज कर रहा है तो रेंज। तो हम वन वन सीखेंगे सारे ऑब्जेक्ट। तो एप्लीकेशन को फिलहाल हम इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा आगे का चीज है। तो हम वर्कबुक से शुरू करते हैं, मतलब जो आप मेन नॉर्मल एक्सेल सीखा था, बेसिक एक्सेल सीखा था, उस समय आपने जो शुरुआत की थी उसी तरह की शुरुआत हम आपके साथ करने जा रहे हैं, बस VVA कोड के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले वर्क वो। अब इसमें मान लीजिए कि एक नई फाइल हमें ऐड करनी है, workbook.add, एक नई फाइल आपकी ऐड करेगी, मतलब कि कंट्रोल एंड प्रेस कर देगा, एक नया वर्कबुक खोल देगा। अब मान लीजिए जो वर्कबुक खुला हुआ है उसको सेव करना, हालांकि सेव करने का कोड होता है जैसे कभी मैंने बताया था आपको वर्कबुक। कौन सी फाइल, तो हमने बोला था यहाँ पे book1.xls डॉट सेव एज, और यहां पे हम फाइल नेम दे देते हैं पाथ के साथ, जैसे कि डी ड्राइव 2020/123.xls। और भी चीजें इसमें है लेकिन फिलहाल उसको इग्नोर करें। बट क्या है कि जो हमने फाइल ओपन हुई है उसका नाम बुक वन होगा, एक गारंटी तो नहीं है, इसमें एक कोड हम नहीं दे सकते। तो जैसे मैंने बताया कि हम वर्कबुक जो होता है उसमें एक और होता है एक्टिव वर्कबुक, एक्टिव वर्कबुक बुक में जैसे बुक वर्क एक्टिव, मतलब जो फाइल एक्टिवेटेड है उसको एक्टिव वर्कबुक के जरिए नजर आ सकता है। तो हमने जो फाइल ऐड की है वो फाइल हमारी एक्टिवेट है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट से बुक जगह आपके लिए डॉट सेव एज, और यहां से अपना हम फाइल बना कॉपी। हेलो, हाँ बोलिए सर। जी एक क्वेश्चन है मेरा, ये जब सेव एज कर रहे हैं तो आप वो टैब हम लोग दबा रहे हैं, टैब स्पेस दबाते हैं, हाँ स्पेस दबाते हैं, तो हम लोग का है ना उसमें जो ऑप्शन आता है ये देखिए ब्रैकेट से आता है, और यहाँ पर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा दे रहे हैं, ब्रैकेट नहीं लेंगे, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रैकेट से आता तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता, ठीक है ना, बट स्पेस दिया जाए, ओके यहाँ दिया जाए, यहाँ पे जैसे देखिए स्पेस से बिल्कुल चारा नहीं आ रहा ना, तो बट ब्राइकेट से आता है, ठीक है ठीक है।
एक्चुअली वर्क में डॉट है, तो आपको सिर्फ कोड ही नहीं आपको सिचुएशन भी समझना। समझे सर? आपको सिचुएशन को भी समझना। लेकिन मुझे आज पता है कि मुझे फाइल ऐड करके सेव कर, मुझे इस चीज का पता है कि हमें फाइल ऐड करके सेव कर, तो हम क्या करेंगे? तो उस केस में हम यहीं पे कोड देंगे वर्क बुक डॉट एड डॉट सेव और जो पास फाइल, तो ये फाइल सेव करके ही करेगा। ठीक है, क्लियर है सर? तो फाइल को ऐड करना सीख गया, फाइल को सेव करना सीख गया। दो चीजें पहले इंपॉर्टेंट होती है हमारी, फाइल को ऐड करना और फाइल को सेव करना, दोनों आप सीख गए। ओके, और फाइल को सेव एज करना चाहिए, लेकिन जैसे आपको फाइल सेव करना है, ऑलरेडी फाइल है उसको बस कंट्रोल एस करना है, दो चीजें हो सकती है। अगर आपको फाइल का नाम पता है और एक्सीरेट नहीं है तो वर्क बुक और उस फाइल का नाम यहाँ पे k123.xlsx/m जो भी एक्सटेंशन है डॉट सेव, बट आपको फाइल का नाम नहीं पता बट वो एक्टिवेट है तो क्या लिखेंगे? एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव। ओके, समझ में आ गया? अब हमने फाइल को सेव कर लिया, फाइल को हमने फाइल को क्रिएट कर लिया और फाइल को सेव कर लिया। अब बात करते हैं हम फाइल को ओपन कर, तो यहां हमने लिखा वर्क वो डॉट ओपन, ठीक है, और यहां पे कौन सा फाइल ओपन करना है उसका एक्सटेंशन दिया। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने दिया फाइल नेम एल, देखिए फॉर्मूला का भी और एक्सेल का भी, जैसे वीवीए का भी, एक्सेल फॉर्मूला का भी और वीवीए का भी जो सिंटैक्स होते हैं उसमें दो चीजें होती है, एक होती है रिक्वायर्ड, दूसरी होती है ऑप्शन। जैसे यहाँ पे फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग जो इनपुट है वो हमारा रिक्वायर्ड है, बाकी ऑप्शनल है, बट कैसे पता चलेगा कि रिक्वायर्ड है ऑप्शनल है? क्या सर? वो हाइलाइटेड है, अगर जो रिक्वायर्ड है, हाइलाइटेड से मतलब नहीं है, कॉमन आ गई तो अभी हाइलाइटेड हो गया, वो तो पोजीशन बताता है कि अभी अभी आप इंट्री क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर्मूला बताता है ना, फॉर्मूला इलेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने इफ सी लिखा तो इसमें अभी गोल्ड कौन है? लॉजिकल टेस्ट, क्योंकि लॉजिकल टेस्ट डालने वाला हूँ ना, और कॉमा डाल दूंगा तो धन को गोल्ड हो जाएगा। ये होता है, ये पता चलता है इसकी सिंटैक्स में, देखिए जो सिंपल है फाइल नेम एज जो है कोई ब्रैकेट में नहीं है ना, नहीं, लेकिन आप डेट लिंक आप देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में, फॉर्मेट एज ए पासवर्ड स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो क्या है? ऑप्शनल, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट उसको डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो जैसा डिफॉल्ट चल रहा है उसी तरीके से चलेगा। बात समझे? हाँ जी, चलिए एक क्लियर है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें और क्या क्या है एक बार देख लीजिए। अब जैसे कि आपको इससे लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको समझने के लिए आपको एक्सेल में जो चीजें होती है वो समझना होगा। एक फाइल ओपन करते समय हमें क्या क्या मिल सकता है? फाइल ओपन किया, फाइल नेम आ गया, दूसरा आता है इसमें अपडेट लिंक। पता है अपडेट लिंक क्या होता है? वो दूसरे फाइल से अगर लिंक है तो उसका अपडेट लिंक आ जाता है। अगर आपने कोई फॉर्मूला वगैरह लगा रखा है, इसमें आपने किसी और फाइल का लिंक दे रखा है और वो फाइल उस लोकेशन पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे कॉज है,
आपने फाइल लगाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो फाइल उस लोकेशन पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आपको देगा ब्रेक लिंक अपडेट लिंक का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आप कर सकते हैं। फिर आता है क्या फाइल को रीओनलिंग ओपन करना चाहते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। कौन सा फाइल का फॉर्मेट है वो देना होता है, फाइल का पासवर्ड क्या है, रीड राइट पासवर्ड क्या है, क्या इग्नोर रीओनली कमेंट करना है, ओरिजिन डिलीटर एम्बेड नोटिफाई कन्वर्ट एड लोकल, ठीक है। ये सारी चीज दे सकते हैं लेकिन इन सबों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी तो आप पासवर्ड डाल सकते हैं यहाँ जाकर, समझ गए। और ऐसा ही यहाँ पे सेव एज पे भी था, फाइल फॉर्मेट पासवर्ड इन पासवर्ड इन ओनली क्रिएट बैकअप एक्सेस मोड, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल पहली क्लास में इतना डीप पे जाएंगे तो फिर सर के ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा, तो इनोटिव फिलहाल क्या सर। हाँ सर भाई, तो आपने फाइल को ओपन करना सीख लिया। और याद रखिएगा जब भी कोई फाइल क्रिएट होती है या ओपन होती है वही फाइल एक्टिवेट होती है, इसका ध्यान रखिएगा, समझ गए। तो ये आ गया, अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने फाइल को ओपन करना सीख लिया, अब फाइल जब ओपन हुई है तो हमें क्लोज भी करना होगा। तो क्लोज करने का कोड होता है वर वर्क, यहाँ पे उस फाइल का नेम, अगर एक्टिव है तो एक्टिव वर्कबुक करेंगे, वर्कबुक फिर नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हमें फाइल नेम देना पड़ेगा, वर्क बुक वन या जो भी फाइल नेम है 123.xlsx.close। अब क्लोज में सेव चेंजेज होता है, इसमें हम लोग ट्रू या फॉल्स डालते हैं। ये क्या होता है, जैसे किसी फाइल को आप बिना सेव किए जब क्लोज करते हैं तब से पूछता है ना डू वांट टू सेव, पूछा सर। तो सेव पे क्लिक करना है तो यार आपको ट्रू करना पड़ेगा, डोंट से क्लिक करना है तो फॉल्स करना पड़ेगा, समझ गए। तो क्लोज जैसे ओपन में हम लोग ऐसे डाल रहे हैं वर्कबुक डॉट ओपन, फिर ऐसे क्लोज में हम लोग वैसे नहीं डाल सकते हैं वर्कबुक डॉट ओपन, नहीं होता क्या है कि वर्कबुक डॉट ओपन हमने ऑफिस लाइब्रेरी से बाहर से फाइल को कॉल कर रहे हैं, जैसे वर्कबुक ऐड भी हुआ ये बाहर की फाइल है ना, जब तक फाइल ओपन नहीं होगी तब तक लाइब्रेरी उसको रीड नहीं करेगा ना सर, बात समझे। वो तो फाइल क्लोज है कहीं पे रखा हुआ है किसी डी ड्राइव सी ड्राइव में, तो याद रखिएगा वीवीए में जब तक फाइल ओपन नहीं होती है तब तक उसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, समझ गया। इसलिए ओपन करते समय हम यहाँ पे वर्कबुक की डिटेल नहीं डाल सकते क्योंकि वर्कबुक नया क्रिएट हो रहा है, वर्कबुक अलग वर्कबुक आ रहा है, एक नया ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन जब हम वर्कबुक डॉट क्लोज करते हैं तो हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर वर्कबुक जो कि ओपन है, तो यहाँ पे हमें वर्कबुक की डिटेल डाल सकते हैं क्योंकि ऑफिस लाइब्रेरी में इसका फुल इंफॉर्मेशन है क्योंकि वो ओपन है, समझ गए। मतलब हम लोग को क्लोज करेंगे तो हम लोग ये ऐसे ही डाल के क्लोज करेंगे। जी हाँ, okay. एक सिंपल सी बात समझ लीजिए ना, जो फाइल ओपन है उस पे अगर हम डील करेंगे तो वर्कबुक के साथ हमें फाइल का डिटेल्स या एक्टिव वर्कबुक डालना है, राइट। जो फाइल ओपन नहीं है उस पे कुछ करना है तो हमें वर्कबुक के साथ चलना है, चाहे एड हो या ओपन, इनियम आ गया आपको। एक बार आप फिर से बोलेंगे, क्या बोले आप। हमने बोला कि जो वर्कबुक ओपन है, यहाँ फ्रेंडली ओपन है, मैं तो रन करते समय ओपन है, तो उस केस में हम एक्टिव वर्कबुक लेंगे या फिर हम इस मेथड को लेंगे, चाहे वो सेव करना हो, सेव करना हो, क्लोज करना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है। और दूसरा
अगर मान लीजिए जिस जो काम जो एक्शन करने वाले हैं वो एक फाइल पे नहीं है, मतलब कि ओपन फाइल पे नहीं है, हमें नया फाइल लेना है या पुराना फाइल ओपन करना है, उसको हमेशा वर्क बुक से चले। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। तो हमने वर्कबुक को क्लोज करना सीख लिया। तो हम जनरली क्या करते हैं, फाइल को क्रिएट करते हैं, फाइल को सेव या सेव एज करते हैं, राइट, फाइल को ओपन कर लेते हैं या फाइल को क्लोज करते हैं, जनरली यही करते हैं। फिर कुछ और चीजें भी करते हैं, जैसे कि एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना। अब जैसे मान लीजिए ना, आपको एक फाइल का डेटा कॉपी करके दूसरे फाइल में पेस्ट करना है, तो चलो एक फाइल आपने ओपन किया तो उस फाइल पे जाना पड़ेगा ना, हम लोग ऑल्ट टैब से जाते हैं ना इस तरह से, तो उस तरह से जाने के लिए क्या कोड होगा, वो होगा आपका वर्क बुक, और यहाँ पे हम लिख देंगे बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स या एक्सएलएस एम जो भी आपका है डॉट एक्टिवेट। ठीक है, डॉट एक्टिवेट, समझ रहे हैं सर? हाँ, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट दीजिए, एक कोड का एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फुल नेम दीजिए इसका, वर्कबुक डॉट एक्टिवेट, या फिर आप इसको विंडो के थ्रू भी चल सकते हैं, विंडोज और यहां पे इसमें एक्सटेंशन ना भी रहेंगे तो चलेगा डॉट एक्टिवेट। अब ये एक्टिवेट क्या है, ये विंडो वाले एक्टिवेट क्या है, तो ये हम आपको बताते हैं, ये आपका फाइल के अंदर जो व्यू वैल्यू वाला होता है ना, इसमें एक होता है स्विच विंडो, इसको ट्रिगर करता है आपका विंडो, समझे? अब आपको मैं समझाता हूं, जैसे कि एक कोड है, मैंने कल रात को इसे वीडियो बनाई थी, उसमें क्या था कि कई सारे फाइलों से डेटा को कॉपी पेस्ट करना। तो यहां पे देखिए हमने क्या लिखा, वर्कबुक डॉट ओपन, हमने क्या लिखा सर, वर्कबुक डॉट ओपन, और हमने यहां पे पाथ दे दिया। फिर हमने पहले शीट पे गए, ए वन का डेटा को कॉपी किया, ए तो हमारी पहली फाइल की डिटेल हो गई। अब मुझे जहां पेस्ट करना है उस फाइल को तो एक्टिवेट करना पड़ेगा ना, यहां देखिए वर्कबुक, हमने कॉपी फाइल को एक्टिवेट किया, उसके डेटा शीट पे गए और देन जाके हम लोग उसको पेस्ट किया, समझ रहे हैं? सर, तो यहां पे हमने क्या किया, पहले फाइल को ओपन किया, उसके पहले शीट पे गए, डेटा को सिलेक्ट कॉपी किया, फिर हम वापस आए उस फाइल पे जिसपे पेस्ट करना है। तो वापस आने के लिए हमें एक्टिवेट करना होगा ना, अल्ट टैब जो हम जनरली करते हैं वो करना होगा ना, तभी तो वो एक्टिव होगी। तो फिर उसको हमने एक्टिवेट किए, तो उस सीट को एक्टिवेट किए जिसपे हमें जाना है, और फिर उस रेंज पे गए और फेस एक्टिव हो गए। इसलिए एक फाइल से दूसरे फाइल को जाना इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप बोलेंगे सर यहां तो आपने कोई एक्टिवेशन नहीं किया, यहां एक्टिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने जो फाइल ओपन किया, जो फाइल ओपन होता है वही एक्टिवेट होता है। यहां पे मुझे एसएन को एक्टिवेट, एसएन एक फाइल नेम है, एसएन को एक्टिवेट करने की जरूरत ना पड़े। बात समझिए, एक कोड क्या है, एक फोल्डर में जितने भी फाइल है सारे फाइल का डेटा कॉपी करके एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे स्टोर करना, पेस्ट कॉपी पेस्ट करना। okay. तो आप जब काम करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि मुझे फाइल के अंदर फाइल को प्रोटेक्ट करना है, तो हम एक एक्टिव वर्कबुक ही करते हैं कि एक्टिव वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है। अब आपको यह पता चल गया ना कि एक्टिव वर्कबुक और वर्कबुक कब लेंगे। हेलो, हाँ जी हाँ, ये पता चल गया ना कि आप ये वर्कबुक वाली मेथड जो है वो कब लेंगे और एक्टिव वर्कबुक का मेथड कब लेंगे। एक्टिव वर्कबुक जब मेरा खुला हुआ फाइल तब, नहीं फाइल खुला हुआ नहीं, फाइल एक्टिवेट है, फाइल खुला हुआ तो पांच भी हो सकते हैं ना, समझ गया ना, जो एक्टिव है मतलब जैसे सामने
सामने दिख रहा है, एक ये एक्सिस फाइल चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए दो, मैं इसलिए काम करता हूँ, दो तीन फाइल खोल देता हूँ, हमने अभी कितने फाइल खोल लिए, अभी दो फाइल खोल लिए, तो अब अभी इसको देखते हैं। अब कॉपी, अभी जो एक्टिव कौन है, कॉपी है सेल, ठीक है। अगर मैंने इसको अगर कर दिया बुक टू को, तो अब बुक टू एक्टिवेट, तो ओपन तो तीनों है ना, कॉपी एल भी है, बुक थ्री भी है, बुक टू भी है, बट एक्टिवेट कौन है, बुक टू, या इसको एक्टिवेट कर देंगे तो कॉपी। तो एक्टिव वर्कबुक और वर्कबुक में कंफ्यूजन तो नहीं है, वो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका यूज करें, ठीक है। बार बार की लास्ट वाली जो एक्शन है वो तो जो आपको करना है उसी हिसाब से होगा, ओपन करना है तो ओपन होगा, सेव करना है तो सेव कर डालना है, क्लोज करना है तो क्लोज कर डालना है, एक्टिवेट करना है एक्टिवेट कर डालना है, प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे कर दिया डॉट प्रोटेक्ट, यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया, लेकिन एक प्रोटेक्शन आपकी फाइल की ओपनिंग प्रोटेक्शन नहीं, ये आपका रिव्यू मेनू बार के अंदर में ये आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसको ट्रिगर करेगा और सीट की जो भी एडिशन डिलीशन है उसको प्रोटेक्ट कर देगा, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे एक्टिव वर्कबुक, एक्टिव मैंने ओपनिंग फास्ट पर डालना है, तो यहां पे एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू वन, तो ये क्या करेगा, ये आपके फाइल के अंदर जाएगा और जाएगा आपका इन्फो में, और इन्फो के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक दिख रहा होगा, इसमें एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इस पे जाके 123 पासवर्ड डाल देगा, इससे क्या हो जाएगी ओपनिंग वर्क फाइल, जब तक फाइल ओपन करेंगे तब तक, जब तक पासवर्ड डालेंगे तो ओपन ना करेंगे, या फिर फाइल क्रिएट करते समय, सेव एज करते समय ही आप पासवर्ड और रीड एज पासवर्ड डाल सकते हैं, तो फाइल को सेव एज करना पड़ेगा। अब यहां पे एक कंफ्यूजन आपको शायद हो रही होगी कि मैंने इस लाइन से ऊपर कहीं भी एक्शन होता कि मेंबर डालने के लिए हमने इक्वल का यूज नहीं किया, मेंबर डिटेल डालने के लिए इक्वल का यूज नहीं किया, बट इसमें इक्वल का यूज क्यों किया, याद होगा हमने कल बताया था कि दो तरह के मेंबर होते हैं, पहला होता है आपका वो होता है प्रॉपर्टी, सॉरी मेथड, दूसरा होता है प्रॉपर्टी। तो इससे पहले जो आप देख रहे हैं मेथड है, और मेथड में हम जनरली स्पेस डालते हैं, और प्रॉपर्टी में हमेशा इक्वल डाला जाता है, चाहे वो वर्कबुक का हो, चाहे वो शीट का हो, या रेंज का हो, या एप्लीकेशन का, प्रॉपर्टीज में हमेशा इक्वल लगेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हम जो मेंबर हम डाल रहे हैं या जो एक्शन हम डाल रहे हैं वो प्रॉपर्टी है या मेथड। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे आप डॉट डालते हैं तो यहाँ दिख रहा है आपको ना सर, इसमें दो चीज दिख रहा होगा, एक हैंड का निशान दिख रहा है, देखिए यहाँ पे हैंड का निशान प्रॉपर्टी का सिंबल है, जो हैंड का निशान करके आ रहा है लिस्ट इस तरह से बना हुआ उस तरह से, तो क्या है वो प्रॉपर्टी है, और जिसमें ये आपका ग्रीन कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, वो आपका मेथड, समझे। दूसरा आपका बीच में आवाज कट गया था, मैंने बोला कि प्रॉपर्टी और मेथड समझ में आया, प्रॉपर्टी क्या होता है मेथड क्या होता है, प्रॉपर्टी में जिसमें हाथ बना हुआ है और ये है। क्या बोलते हैं वो दूसरा मेथड में ग्रीन कलर का बॉक्स है, मेथड में हमेशा स्पेस डाल के बाकी डिटेल डालना है, प्रॉपर्टी में इक्वल डालना है, आ गया समझ में सर, कोई डाउट तो नहीं इसमें, आगे बढ़े। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है, और क्या क्या हो सकते हैं, देखिए प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं, एक जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एक जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। अब देने वाला, तो इसमें हमने कर दिया एस एन इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक
डॉट नेम, ये फाइल का नेम F1 पर स्टोर कर दिया। F1 क्या है, एक सेविंग लोकेशन है, एक वेरिएबल है, जैसे कि इनपुट बॉक्स के लिए ने लिया था ना, सेम उसी तरह से P इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट पाथ, PT इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट फुल नेम, पाथ और दोनों आएगा। तो इन्फॉर्मेशन लेने का काम कर रहा है, तो ए प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि ए इन्फॉर्मेशन इस वेरिएबल पे स्टोर कर रहा है। तो प्रॉपर्टी हमेशा दो वे में होता है, एक जो इन्फॉर्मेशन लेती है, एक जो इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है सर। तो जनरली हम फाइल के साथ इतना ही करते हैं ना, ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना, सेवेज करना, एक्टिवेट करना, पासवर्ड डालना, प्रोटेक्ट करना, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब आप एक्टिव वर्कबुक के साथ इसको जब डॉट लगाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि तो इनके बारे में भी आपको जानना है, तो क्या क्या करेंगे फिर क्या। तो इस सब के बारे में हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, पहले दिन तो इतना नहीं बता सकते, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी है जानना, तो आप एक काम कर सकते हैं, वीवीए हेल्प को ले सकते हैं। कैसे, यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करें, क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर खुल जाएगा, इसमें वीवीए रेफरेंस पे चले जाइए, और इसी में आपका मॉडल ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा ना। अब ये सारे में आपके ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है सर, इसमें नीचे आइए आपको दिखेगा वर्कबुक, दिख गया वर्कबुक, इसमें आपका मेथड है, इसमें आप एग्जांपल दिख जाएगा आपको कि वर्कबुक एग्जांपल क्या होता है, लिस्ट ऑफ इवेंट जैसे एक्टिवेट करना, आफ्टर सेव इसे इवेंट है, इवेंट फिलहाल छोड़ दीजिएगा, इवेंट आपको इवेंट मैं बताऊंगा, मेथड ये रहा मेथड, एक्टिवेट क्लोज दिख रहा है आपको। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका एक्सेल में इसका यूज, जैसे कि एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, ये क्या होता है पता है आपको सर, नहीं अप्लाई थीम, थीम क्या होता है पता है आपको सर, थीम वो जो ऊपर में थीम का जो ऑप्शन रहता है अलग अलग वो नहीं, थीम यहाँ होता है पेज लेआउट के अंदर में देखेंगे, ये थीम होता है। तो ये बात है ना कि आप इसमें, इसलिए मैं सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसको एक्सेल में क्या करते हैं ये आपको नहीं पता ना सर, तो इसलिए से आपको जो पता है जैसे कि प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट व्यू निकालना, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट शेयरिंग, ये आपको पता है, रिफ्रेश पता है आपको, क्या सेव पेज पता है आपको, सेव कॉपी एज देख लीजिएगा, सेंड मेल दिख रहा है ना सर, दिख रहा है ना सर। तो एक चीजों पे इस चीजों पे क्लिक कीजिए, जैसे मान लीजिए आपको सेवेज को देखना है तो सेवेज पे क्लिक किया, टेबल से पूरे आ गए यहाँ पे, पहले यहाँ पे क्या आ गया आपका सिंटैक्स आ गया कि एक्सप्रेशन टेबल और टेबल के इनपुट, और इनपुट क्या क्या होते हैं वो ऑप्शनल है या रिक्वायर है, ठीक है। और फिर इसकी एक एग्जांपल दी जाएगी आपको उसी तरह से, जैसे सेव कॉपी है जब देख लेते एक बार, सेव कॉपी है तो यहाँ पे, यहाँ पे सेव है कॉपी फाइल, तो आपको बस देना है कॉपी है यहाँ पे फाइल कॉपी कर दिया, लिख गया सर। इसको एक बार आप स्टडी कर लीजिए, आज का टॉपिक यही रहा, और साथ में ये जो कोड मैंने आपको बताया है तो इंडिविजुअली बताया है, इसको अलग अलग मैक्रो में, एक अलग मैक्रो में, एक लाइन एक मैक्रो में डाल के इसको टेस्ट कर लीजिएगा,
फिर कल जो है हम इसके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे आपके साथ, ठीक है? बताइए, मैं इंडिविजुअल करूंगा तो मैं मॉड्यूल में सेव होते जाएगा क्या? जी हाँ जी, मॉड्यूल टू वैसे करके नहीं, मॉड्यूल एक ही मॉड्यूल में डाल दीजिए सारा, तो रन तो फिर वो एक ही साथ करेगा ना सारा? नहीं नहीं नहीं, एक बार में एक रन होगा, एक सब्जेक्ट एक बार में रन होता है ना, जैसे कि आपने क्या किया, सब किया, सब ऐड फाइल, आपने मैक्रो नेम दे दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसमें आपने वर्कबुक डॉट ऐड वाला ऑप्शन डाल दिया। अब जब रन करेंगे तो आप यहां से रन करेंगे ना, तो आप यहां से इसको रन करेंगे ना, ऐड फाइल को, दो अलग अलग मैक्रो होंगे ना, तो एक ही रन करेंगे ना आप उसमें, ठीक है? ट्राई कीजिए, फिर कल मिलते हैं, कल बाकी चीजों में बातचीत करेंगे, ओके? दिक्कत होगा किसी तरह का तो कॉल कर लीजिएगा, ओके बाय।